नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के बाद भी कांग्रेस नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने इन नेताओं को बीजेपी में शामिल कराया। कांग्रेस के राष्ट्रीय संयोजक सुरेश गंगवार, उधम सिंह नगर की जिला पंचायत अध्यक्ष रेणु गंगवार, पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत की पुत्रवधु अनुकृति गुसाई भी बीजेपी में शामिल हुई। कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं ने कहा कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के विकास कार्यों से प्रभावित होकर बीजेपी में शामिल हुए हैं। रैलिंग अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार है और कांग्रेस मुक्त भारत का जो हमारा नारा है, उस नारे को अभी पंचायत चुनाव में और गति मिलेगी, नगरपालिका चुनाव में और गति मिलेगी और सब लोग भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना सहयोग देंगे। अनुकृति जी का कल ही मुझे प्रस्ताव प्राप्त हुआ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने का। मैंने भी अपने संबंधित नेतृत्व से बातचीत करने के बाद और फिर मैंने अपनी सहमति दी है। देखिए, मुझे बहुत खुशी है आज कि जो हमारा नेतृत्व है उसने मुझे अपने परिवार का हिस्सा बनाया है। भारतीय जनता पार्टी को मैंने ज्वाइन किया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कामों से प्रभावित होकर जिस तरीके से एक सपना उन्होंने विकसित उत्तराखंड का देखा है, वोकल फॉर लोकल को जिस तरीके से वो पूरे उत्तराखंड में पूरे देश के अंदर प्रमोट कर रहे हैं, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात करते हैं, ये सभी चीजें मुझे प्रभावित करती है। और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से उन्होंने कहा है कि आने वाला दशक उत्तराखंड का दशक है, मैं उम्मीद करती हूं कि उत्तराखंड के केंद्र बिंदुओं को वो देखते हुए समझते हुए उत्तराखंड को विकसित बनाने का काम करेंगे और हम सभी लोग उनके इस महायज्ञ में अपना योगदान देंगे। रैलिंग अभी खत्म नहीं हुई है। भारतीय जनता पार्टी बड़ा परिवार। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने लोकसभा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं का आभार जताया। उन्होंने कहा कि बीजेपी का मतदाता अपने आप घरों से निकलकर वोटिंग के लिए निकला। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव में विपक्ष की कोई स्पर्धा नहीं थी, इसीलिए ही कम मतदान हुआ है। हालांकि बीजेपी अध्यक्ष ने कम मतदान के लिए चिंता भी जाहिर की है और इसके लिए चुनाव आयोग को ठोस नीति बनाने और मतदान अनिवार्य करने का भी सुझाव दिया है। क्या है कि एक तो अब मैं अगर अब क्योंकि मुझे बोलना पड़ रहा है, शुक्रवार का दिन चुनाव आयोग ने दिया है, सैटरडे संडे छुट्टी, तो सबसे बड़ी बात क्या है कि शुक्रवार को मतदान की, मैंने कहा ना मतदान कैसे लोगों के हृदय में आवश्यक बने, ये सब चीज विचार करनी पड़ती। लगभग 200 शादियों की जानकारी मेरे पास है, मुहूर्त शादी का। ये बहुत से कारण रहे, सबसे बड़ी बात क्या है, ये कारण पूरे जहां प्रफर्स्ट फेज का चुनाव हुआ है, केवल उत्तराखंड नहीं पूरे देश के अंदर हुआ है जहां फर्स्ट चुनाव थे, इसलिए इनके कारणों की समीक्षा जहां निर्वाचन आयोग करेगा वहां भी कर रहे हैं। उत्तराखंड की पांचों लोकसभा सीटों पर पिछले दिनों चुनाव हुए। चुनावों से कम मतदान के बावजूद प्रदेश में सत्तारूढ़ बीजेपी अपनी जीत को लेकर आश्वस्त है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने पांचों लोकसभा सीटों को जीतने का दावा किया है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह भिष्ट ने तंज कसते हुए कहा कि ये बीजेपी का अहंकार है और सच्चाई को नकारने जैसा बीजेपी का इस प्रकार का रवैया है, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में 7 सालों से है और केंद्र में 10 सालों से है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस है, सत्ता का अहंकार है और सच्चाई को नकारने जैसा भाजपा का इस प्रकार का रवैया है, क्योंकि प्रचंड बहुमत की सरकार राज्य में 7 सालों से, 10 सालों से केंद्र में है, जनहित के कोई काम हुए नहीं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिला, बेटियों को सुरक्षा नहीं मिली, किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ, उत्तराखंड जैसे सीमावर्ती राज्य में जो है अग्निवीर योजना का जो है हर घर में विरोध है, तो निश्चित तौर पर जो है सत्ता विरोधी लहर है जिसके चलते जो है मतदान कम हुआ है। और भाजपा तो चुनाव से पहले बड़े बड़े दावे कर रही थी कि 75% मतदान करवाएंगी, 5 लाख वोटों के अंतर से।
लोकसभा चुनाव में हुए पहले चरण के मतदान पर कांग्रेस पार्टी के बनाए गए वॉर रूम में चुनाव के दौरान शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी ने कहा कि कई क्षेत्रों में कांग्रेस के मतदाता थे जिनका नाम वोटर लिस्ट में नहीं था। साथ ही उन्होंने कहा कि हमने चुनाव आयोग से शिकायत की लेकिन उसके कोई सकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिले। खबर देहरादून से है जहां कांग्रेस के वॉर रूम में चुनाव के दौरान शिकायतें मिली, जिसको लेकर कांग्रेस के प्रदेश महामंत्री नवीन जोशी का बयान सामने आया है। उनका कहना है कि इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत की लेकिन इसके बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम पार्टी तक नहीं पहुंचा है। नवीन जोशी का कहना है कि कई वोटर्स का नाम जो कि वोटर्स लिस्ट में नहीं था, जिसकी वजह से मतदान कम हो पाया है। इसको लेकर उन्होंने चुनाव आयोग को शिकायत भी दी लेकिन उनका कहना है कि शिकायत के बाद भी कोई सकारात्मक परिणाम हासिल नहीं हुआ। वोट प्रतिशत कम होने से सत्ताधारियों को नुकसान होगा। निर्वर्तमान चेयरमैन और कांग्रेसी नेता हरीश दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि वोट प्रतिशत कम होने से सत्ताधारियों को नुकसान उठाना पड़ेगा। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी महंगाई, बेरोजगारी, परीक्षा में पेपर लीक जैसे मुद्दों के साथ जनता के बीच थी और इसका सीधा फायदा कांग्रेस पार्टी को होगा। पहले चरण के मतदान पूरे हो चुके हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव पूरे हो चुके हैं लेकिन इसके बाद भी लगातार वार पलटवार का दौर जारी है। इसको लेकर कांग्रेस नेता हरीश दुबे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि वोट प्रतिशत कम होने पर सत्ताधारियों को नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस को इसका फायदा जरूर मिलेगा। मतदान पूरे होने के बाद लगातार कांग्रेस जीत का दावा करती हुई नजर आ रही है। ये मान लीजिए कि अगर जो आप कह रहे हैं वोट परसेंटेज घटा है तो निश्चित रूप से सत्ताधारी लोगों की जो बेचैनी है वो लाजिब है और मुनासिब है, क्योंकि उनकी ये सीधा सीधा घाटा सत्ताधारी लोगों को होने जा रहा है, बीजेपी को होने जा रहा है। हम लोग देखिए मुद्दे क्या थे, मुद्दे वो बेरोजगारी का मुद्दा था, भ्रष्टाचारी का मुद्दा था, महंगाई का मुद्दा था, बच्चों के पेपर लीक का मुद्दा था। नौ मई को उत्तराखंड की चार धाम यात्रा का विधिवत उद्घाटन किया जाएगा। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के बैनर तले बस ट्रांजिट कंपाउंड में उद्घाटन किया जाएगा। संयुक्त रोटेशन व्यवस्था समिति के अध्यक्ष नवीन रमोला ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बताया कि चार धाम यात्रा पर बसों का संचालन करने की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। 2200 बसों का बेड़ा चार धाम यात्रा मार्ग पर जाने के लिए तैयार है। यात्रा हर साल की तरह ऋषिकेश से ही संचालित होगी। चार धाम यात्रा को लेकर तैयारियां पूरी हो गई हैं। आपको बता दें कि 2200 बसों का बेड़ा यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार है। तो वहीं समिति के अध्यक्ष का कहना है कि हर साल की तरह ऋषिकेश से ही यात्रा का संचालन होगा। 9 मई को चार धाम यात्रा का उद्घाटन होगा जिसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। समिति के अध्यक्ष का कहना है कि 2200 बसों का बेड़ा पूरी तरह से यात्रा के लिए तैयार है। तो वहीं हर साल की तरह इस साल भी ऋषिकेश से ही यात्रा का संचालन होगा। आपको बता दें कि 9 मई को चार धाम यात्रा का उद्घाटन किया जाएगा। और ये कैसे उस पर यात्रा को चलाएंगे, तो बोर्ड के निर्देश पर सरकार ने बोर्ड ने उस पर त्वरित रोक लगा दी और यात्रा रुक गई। उसके बाद हम लोग पार्टियां बने, बोर्ड गए, तो फिर कोर्ट में बातें रखी गई, तो सरकार की तरफ से एक बात रखी गई कि हम वहां पे संख्या निर्धारित करेंगे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए। उसमें वो 15,000 केदारनाथ जी में, 18,000 बद्रीनाथ जी में और 7,000-12,000 जी गंगोत्री और यमुनोत्री धाम की व्यवस्था करेंगे।
मुख्यालय पौड़ी के पाबो मोटर मार्ग में मंडा खाल से आगे छानी गांव के पास सुबह के वक्त एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में जा गिरी। दुर्घटना में वाहन सवार व्यक्ति घायल हो गया। प्रत्यक्षदर्शी अनूप सिंह दलबीर भंडारी ने बताया कि दुर्घटना में घायल व्यक्ति पाबो के कालो गांव निवासी है, जिसका नाम संतोष भंडारी है। बताया कि दुर्घटना घटित होने पर किसी तरह से व्यक्ति सड़क पर आ गया, वहां से गुजर रहे लोगों ने घायल की मदद की तथा उसे उपचार के लिए चिकित्सालय भेजा। खबर पौड़ी से है, जहां एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई, जिसके बाद स्कूटी सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल स्कूटी सवार को देखकर राहगीरों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। इसके साथ ही घायल को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और आगे की कार्रवाई में जुट गई है। खबर पौड़ी से है, जहां एक स्कूटी अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। आगामी 10 मई से चार धाम यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसकी तैयारियों को लेकर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बैठक की। आपको बता दें कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत विभागीय कार्यों को लेकर सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग से आगामी चार धाम यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की अनुमति मिलते ही चार धाम यात्रा से संबंधित जनपदों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसमें उन्होंने यात्रा मार्गों पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही श्रीनगर और दून मेडिकल कॉलेज सहित एम्स ऋषिकेश को अलर्ट पोर्ट पर रहने के निर्देश दिए। सुविधाएं मिल जाएंगी। 267 जो हमारे MBBS डॉक्टरों ने पढ़ाई पूरी कर चुके हैं और बॉन्डधारी हैं, उसके लिए भी हमने चुनाव आयोग को लिस्ट भेज दी है कि जल्दी हमको परमिशन दी जाए ताकि हम यात्रा रूट में डॉक्टरों की तैनाती कर सकें। और मैं सभी चार धाम यात्री जितने भी इस बार यात्रा में आना चाह रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि यहां पे किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। स्वास्थ्य सेवाएं हमारी बहुत अच्छी रहेंगी। किसी भी यात्री को अगर कोई दिक्कत होती तो हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है 24 घंटे यहां पे सेवाएं देने के लिए उपलब्ध रहेगा। और मैं कह सकता हूं कि आज जो मीटिंग हुई है बहुत अच्छी रही। गर्मी के बढ़ते ही डेंगू और फ्लू जैसी बीमारियों में बढ़ोतरी शुरू हो जाती है। पिछले वर्ष उत्तराखंड में डेंगू का कहर काफी बरपा था, साथ ही देहरादून में भी डेंगू के मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई थी। पिछले वर्ष से सबक लेते हुए देहरादून हॉस्पिटल में तैयारी शुरू कर दी गई है। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने कहा कि डेंगू को लेकर के दून हॉस्पिटल पूरी तरह तैयार है और उसके लिए एक अलग वार्ड की भी व्यवस्था की गई है, ताकि आने वाले समय में मरीजों को कोई परेशानी न उठानी पड़े। देखिए भाई, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि डेंगू का एक तो साइकिल चलती है कि 2-3 साल में एक बार ये भयंकर रूप लेता है। तो पिछली बार हम लोगों ने काफ़ी बड़ा हुआ डेंगू देखा, तो इस बार हम लोग अस्पताल के तौर पर पूरी तरह तैयार है, जिसमें हम लोग का एक स्पेशल वार्ड भी बनाया गया है। डॉक्टर्स की टीचिंग और ट्रेनिंग भी चलती रहती है और शासन भी, जैसे मुझे मालूम पड़ा है कि नालियों की सफाइयाँ और फॉगिंग वगैरह अभी से ही जल्दी में स्टार्ट कर दी गई है और इस तरह की टास्क फोर्स बनाकर वो काम हो रहा है। पौड़ी जिले में भी जंगलों में आग की बढ़ती घटनाओं को लेकर अब स्थानीय ग्रामीण भी चिंतित होने लगे हैं। पूर्व प्रमुख पोगडा सुरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि इसका एक कारण प्रशासन की ओर से जन जागरूकता अभियानों में कमी आना है। उन्होंने कहा कि वन विभाग की ओर से फायर सीजन से पहले पिरूल हटाने का काम किया जाता है। इसके साथ ही जंगलों में आग की रोकथाम को लेकर कंट्रोल बर्निंग भी की जाती थी। उन्होंने इस मौके पर ग्रामीणों से संगठित होकर जंगलों में आग की रोकथाम को लेकर प्रयास करने की अपील की। प्रशासन का भी जो है बहुत लापरवाही है कि प्रशासन जो इसमें ध्यान नहीं दे रहा है। और जो वनाग्नि जो हमारा समय जो शुरू होता था, उससे पहले जो है जन जागरूकता जो है गांव में जो फैलाई जाती थी, जन जागरूकता कार्यक्रम जो गांव में चलते थे वो बिल्कुल नहीं चल रहे। एक संदेश, जबकि आज की डेट में हमारे पास संसाधन बहुत हो गए हैं, हम सोशल मीडिया के माध्यम से उन चीजों को हम जो है फैला सकते हैं कि भाई हमें वनाग्नि को जो है रोकना है। और दूसरी बात यह है कि विभाग के साथ साथ
जो हमारे ग्रामीण हैं वो संगठित नहीं है, ये सबसे बड़ी कमजोरी इसमें। ऐसा नहीं है कि हम लोग जो है सिर्फ दोषारोपण जो है विभाग पे करें, कहीं ना कहीं हम लोग भी उसमें जिम्मेदार हैं। हमारी महिला मंगल दल पहले संगठित होती थी, महिलाएं एकत्रित होकर के जो है जंगलों की आग बुझाते थे, उसके बाद युवा मंगल दल संगठित होते थे। जिस तरह की भी ये आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, वनों को, वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, ये हमारे ही लोग दोषी हैं कि इस तरह से जो ये वनों पे आग लग रही है, इसके लिए स्वयं यहाँ के लोग दोषी हैं और इस वन संपदा को नुकसान पहुंचाने में हम लोग स्वयं इसके लिए दोषी हैं, क्योंकि इस वन संपदा से हमको कई प्रकार के नुकसान होते हैं। इसमें वन जीव रहते हैं, पशु पक्षी रहते हैं, और यहाँ पे कई प्रकार के कई प्रजाति के पेड़ होंगे, कई वन संपदा होगी जिसके बारे में शायद हमको भी ध्यान नहीं होगा। तो इस तरह से ये आग का लगना एक बहुत ही गलत काम है, और मैं आपके चैनल के माध्यम से इन लोगों से यही अपील करना चाहूंगा कि कभी भी इस तरह से आग को न लगाया जाए और इस तरह से ये वन संपदा जो हमारी है इसको न जलाया जाए और इस तरह से। खबर टनकपुर से है, जहां बरेली से पूर्णागिरी धाम के दर्शन करने आए एक श्रद्धालु की कार हनुमान चट्टी के पास अचानक अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकरा गई। गनीमत रही कि कार गहरी खाई में जाने से बच गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बता दें कि कार को चालक अंकुर सिंघल नाम का व्यक्ति चला रहा था, जो कि बरेली से पूर्णागिरी धाम के दर्शन करने आया था। मामला टनकपुर का है, जहां एक व्यक्ति का पूरा निर्वस्त्र होकर घूमने का वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरीके से ये व्यक्ति रात के समय अपनी मस्ती में होकर अंग प्रदर्शन कर सार्वजनिक स्थान पर अश्लीलता फैला रहा है। बता दें कि मार्ग से महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आदि हर वक्त गुजरते हैं। वीडियो टनकपुर रोडवेज मार्ग का बताया जा रहा है। गौरतलब है कि जब परे उत्तराखंड में आचार संहिता लगी हुई थी, तो ये व्यक्ति खुलेआम अपना अंग प्रदर्शन कर रहा था। अहम बात तो यह है कि उस क्षेत्र में यातायात व्यवस्था और अनैतिक गतिविधियों पर नजर रखने के लिए पुलिस भी तैनात रहती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री एवं उत्तराखंड प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने लोकसभा की पांचों सीटों पर भारी मतों से जीत दर्ज करने का दावा करते हुए कहा कि पार्टी 20 से 25 लाख वोटों के अंतर से जीत दर्ज करेगी। इस पर राज्यसभा सांसद नरेश बंसल ने कहा कि यह सार्थक होता है कि हर पार्टी अपने कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाने के लिए अपना टारगेट फिक्स करती है और उस टारगेट को पाने के लिए काम करती है। उसी के अंतर्गत प्रदेश चुनाव प्रभारी दुष्यंत गौतम ने भी कहा है, ये हम भी मानते हैं कि हमारा इस लोकसभा चुनाव में जीत का अंतर बहुत बड़ा होगा। ये सार्थक होता है अपने कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाए रखने के लिए। हर पार्टी अपना टारगेट फिक्स करती है, उस टारगेट को अचीव करने के लिए काम करती है। उसी के अंतर्गत उन्होंने भी कहा और हम अभी भी मानते हैं कि हमारा जीत का अंतर बहुत बड़ा हो। खबर देहरादून से है, जहां महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज में बनाए गए स्ट्रांग रूम का जिलाधिकारी सोनिका ने जायजा लिया। बता दें कि स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 24 घंटे अर्धसैनिक बल के जवान तैनात रहेंगे। स्ट्रांग रूम की निगरानी सीसीटीवी कैमरों से की जा रही है। गौरतलब है कि कंट्रोल रूम से सुरक्षा पर नजर रखी जाती है। स्ट्रांग रूम में प्रवेश और निकास के लिए केवल एक ही गेट का उपयोग किया जा रहा है। जिलाधिकारी ने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा में तैनात अर्धसैनिक बल के अधिकारियों और जवानों को भी सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि स्ट्रांग रूम की 3 लेयर सुरक्षा कायम रखनी है। बता दें कि वोटों की गिनती के समय ही ईवीएम मशीनें यहां से निकाली जाएंगी। पर्यटन नगरी पौड़ी में जगह जगह गंदगी और नालों में बहते सीवर के मेले से दूषित हो गई है। हद तो तब हो गई जब मुख्य बस अड्डे से श्रीनगर राजमार्ग पर बीच सड़क पर बहते मैले ने राहगीरों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। नगर पालिका द्वारा बनाए गए 2 मंजिले सुलभ शौचालय के निचले तल पर शौचालय का पिट बीच सड़क पर खुला छोड़ दिया गया। अधिशासी अधिकारी नगर पालिका गौरव भसीन ने इस बारे में जानकारी ली गई तो उन्होंने बताया कि मामला उनके संज्ञान में नहीं है।
खबर पौड़ी से है, जहां शहर में जगह जगह गंदगी फैली हुई है, जिसको लेकर विभाग के अध्यक्ष को जानकारी दी गई, जिन्होंने कहा कि अभी मामला उनके संज्ञान में नहीं है, अब समाधान निकालने के निर्देश अध्यक्ष की ओर से दिए गए हैं। जगह जगह गंदगी होने से यात्रियों को भी काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। शिकायत मिलने के बाद शौचालय के निरीक्षण करने के निर्देश जारी किए गए हैं। इसके साथ ही जल्द ही समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। खबर पौड़ी से है, जहां गंदगी फैलने से लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मामले की सूचना विभाग को दी गई, जिसके बाद निरीक्षण करने के निर्देश। ये जो स्टेशन पे है, ये सुलभ शौचालय था वहाँ पर। जब स्टेशन बन रहा था तो ये ऊपर वाले मंजिल पे हुआ करता था, हम लोग से मंजिल तो नहीं थी लेकिन ऊपर वाली सड़क पे हुआ करता था। जब ये बस अड्डा बना तो उसको नीचे ट्रांसफर कर दिया गया था। तो ये जब से बना था तब से इसमें लीकेज की शिकायतें आ रही थी। कई बार सुलभ शौचालय उन लोगों को बुलाया गया, नगर पालिका को बुलाया गया, लेकिन इनके द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो आज देखिए, इसने पूरा अपना भयावह रूप था जो कर दिखाई दिया, क्योंकि वो पूरा जो उसका मलबा था पेट का, वो सड़क में आ गया, जिससे वहां पर काफी गंदगी और बदबू फैले, लोगों के आने जाने दुश्वार हो गया। उधम सिंह नगर लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि भले ही मतदान प्रतिशत कम रहा हो, लेकिन लोगों का पूरा रुझान बीजेपी की तरफ रहा है और बीजेपी केवल नैनीताल ही नहीं बल्कि सभी लोकसभा सीटों को भारी बहुमत के साथ जीतेगी। पूरा रुझान भारतीय जनता पार्टी की तरफ है, कमल के फूल की तरफ है। प्रतिशत थोड़ा कम हुआ है, गर्मी के दिन है, इससे कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें भी जो प्रतिशत है वो भाजपा का ही है और कहीं पर भी बहुमत में कमी नहीं है। भारी बहुमत से हमारी सभी सीटें आ रही हैं। देहरादून के सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में उत्तराखंड के अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि उत्तराखंड में हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी किया गया है। उन्होंने बताया कि उत्तराखंड में 55.89% मतदान हुआ है। साथ ही उन्होंने प्रदेश की सभी पांचों लोकसभा सीटों पर हुए मतदान के प्रतिशत का आंकड़ा जारी करते हुए बताया कि नैनीताल उधम सिंह लोकसभा सीट में 61.35%, अल्मोड़ा में 46.94%, हरिद्वार में 63.5%, पौड़ी लोकसभा सीट में 50.84%, जबकि टिहरी में 52.57% मतदान हुआ है। जैसे अल्मोड़ा लोकसभा सीट पर 46.94% का मतदान हुआ है, गढ़वा लोकसभा सीट पर 50.84% का मतदान हुआ है, 50.84% का मतदान हुआ है, हरिद्वार लोकसभा सीट पर 63.5% का मतदान हुआ है, नैनीताल उधम सिंह नगर सीट पर 61.35% का मतदान हुआ है और टिहरी गढ़वाल सीट पर 52.57% का मतदान हुआ है। संपूर्ण राज्य का जो एवरेज है वो 55. टिहरी लोकसभा सीट पर हल्द्वानी में लोकसभा चुनाव का मतदान हो चुका है, ऐसे में अब प्रत्याशी रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं और पार्टी कार्यकर्ताओं और अपने समर्थकों से पूरी अपडेट ले रहे हैं। बता दें कि नैनीताल लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी प्रकाश जोशी भी मतदान होने के बाद अब रिलैक्स मोड में नजर आए। प्रकाश जोशी हल्द्वानी स्थित अपने आवास पर शनिवार को कार्यकर्ताओं के साथ चुनावी गणित करते हुए नजर आए। इस दौरान उन्होंने कहा कि उन्होंने चुनाव पूरी मजबूती के साथ लड़ा और इसकी शुरुआत में थोड़ी धीमी गति से शुरुआत हुई, लेकिन बाद में उनका चुनाव काफी ऊपर उठ गया। खबर हल्द्वानी से है, जहां लोकसभा चुनाव संपन्न होने के बाद लगातार राजनेताओं की प्रतिक्रिया सामने आ रही है, तो वहीं चुनाव संपन्न होने के बाद प्रत्याशी रिलैक्स मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में प्रकाश जोशी भी चुनाव के बाद अब रिलैक्स नजर आए।
इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जीत का दावा किया है। उनका कहना है कि चुनाव की शुरुआत धीमी गति से हुई थी, लेकिन बाद में जरूर उनका आंकड़ा ऊपर आ गया और जीत का दावा करते हुए गणेश जोशी नजर आए। देखिए, बड़ा शानदार चुनाव रहा। शुरुआत में हम कह सकते हैं कि चलो धीरे धीरे गति पकड़ी चुनाव ने, पर एक बार जब प्लेन टेक ऑफ हो गया तो पीछे मुड़ के किसी ने देखा नहीं। हर कार्यकर्ता ने, मैं विशेष आभारी हूँ अपने पूरे कांग्रेस परिवार का, चाहे वो बड़े नेता हों चाहे वो हमारे बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता हों, वो सभी कार्यकर्ता जो पिछले कुछ समय से कम भी दिख रहे थे, वो सभी ने अपनी पूरी जान लगाई, पूरी ताकत से चुनाव को लड़ाया। और निश्चित तौर पर ये जो सबकी मेहनत है और फिर पब्लिक की जो निराशा इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार से। इस वक्त की बड़ी खबर की ओर रुख करेंगे, जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर रहेंगी। 24 अप्रैल को दौरा करेंगी राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी का दौरा करेंगी। इस वक्त की बड़ी खबर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देहरादून के दौरे पर रहेंगी। 24 अप्रैल को दौरा करेंगी राष्ट्रपति, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में कार्यक्रम का आयोजन होगा। राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। टॉपर समेत दिए जाएंगे 5 विशेष पुरस्कार, 60 भारतीयों को दिया जाएगा डिप्लोमा। इस वक्त की बड़ी खबर, जहां टॉपर समेत 5 विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे, 60 भारतीयों को दिया जाएगा डिप्लोमा। राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। अकादमी के दीक्षांत समारोह में देंगी उपाधि। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, टॉपर समेत 5 विशेष पुरस्कार दिए जाएंगे, 60 भारतीयों को दिया जाएगा डिप्लोमा। राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। अकादमी के दीक्षांत समारोह में देंगी उपाधि। इस वक्त की बड़ी खबर, देहरादून दौरे पर रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, टॉपर समेत दिए जाएंगे 5 विशेष पुरस्कार, 60 भारतीयों को दिया जाएगा डिप्लोमा। राष्ट्रपति दीक्षांत समारोह में शामिल होंगी। अकादमी के दीक्षांत समारोह में उपाधि देंगी। दिल्ली में हिंदी नववर्ष का आयोजन किया गया, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शिरकत की। क्या कुछ कहा ये सुनाते हैं। और हमारे बड़े भाई जिनके साथ हम लोगों ने किसान मोर्चा युवा मोर्चा में साथ साथ काम किया, आदरणीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, दिल्ली प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, लोकसभा के सांसद और उत्तर पूर्वी दिल्ली के प्रत्याशी, जिनसे हमारा बहुत गहरा लगाव है। अनेक कार्यक्रमों में आप देवभूमि उत्तराखंड समेत भारतवर्ष के अंदर अनेक स्थानों का भ्रमण करते हैं। आदरणीय मनोज तिवारी जी, लोकसभा के प्रत्याशी दक्षिणी दिल्ली के, आदरणीय रामवीर सिंह बिदोड़ी जी, श्री योगेंद्र चंदोलिया जी, श्री कमल जी शेरावत जी, श्री हर्ष मल्होत्रा जी, श्री प्रवीण खंडेलवाल जी, सुश्री बासुरी स्वराज जी, दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष श्री विनय रावत जी, श्री कर्नेल सिंह जी संयोजक मंदिर। फिलहाल के लिए बस इतना ही, जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट के साथ। नमस्कार। Constant innovation, the group provides its